वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुत्र तुहाडे किहड़ा स्कूल है? श्री गुरु अंगद देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमियारी। अजनाला जिला। साडे कोल अज बहुत सारे बच्चे इस स्कूल दे सहज पढ़ करते हैं, अध्यापक साहबान भी करते हैं। असीं प्रिंसिपल साहब का धन्नवाद करते हैं भी उन्होंने इस पासे लाया, क्योंकि एक अध्यात्मक विद्या की अज बड़ी लोड़ है। वैसे शुरू तो ही काल तो लोड़ सी, ते गुरु नानक साहब जी ने आप ही कहा सी ना, विद्या विचारी तो परउपकारी। जे परउपकारी ना बने तो फिर विद्या पढ़ने का फायदा है कि अज देखो हालात इतने माड़े ने भी डॉक्टर गुरदे वेच रहे ने, एस एच ओ नशा वेच रहा है, जज दोषी नूं छड्डी जा रहा है। उहदे कोल इन्नी भी इंसानियत नहीं है जज दे कोल भी जिहड़े बलात्कारी नूं मैं 10 लाख लैके छड्ड लिया कल मेरी धी दा रेप कर देगा। उहदा कारण की है भी पढ़िया लिखिया तो बहुत है, डिग्रियां उहदे कोल बहुत है, पैसा बहुत है, पर उहदे कोल अध्यात्मक विद्या नहीं, गुरु की मत उहदे कोल नहीं है। गुरबाणी की एक तुक आती है भी सतगुर की जिसनों मत आवै सो सतगुर माहे समाना, इहो बाणी जो जियो जाणै तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी जिहड़ी है उह साडे अंदरों सानूं सवारदी है, उह साडे जीवन च तब्दीली लिआउंदी है, साडे विचारां विच तब्दीली लिआउंदी है। मनुख का विचारों का जो सुभाव ना कोई बदल नहीं सकता जब तक गुरबाणी ही बदल सकती। कोई मनुख माता पिता जिन्ना मर्जी कहन पर जी अंदरों लगन गुरबाणी लाँदी है वो नाल दी रीस कोई नहीं। तो पुत्र असी तुहाडे धन्नवाद दे हां कि तुसीं सहज पाठ की लहर नूं चुणिया, उहदे विच शामिल होए, वाहिगुरू नूं तुहानूं चुणिया। ठीक है, तो तुसीं दसो तुहाडा नाम की? पुत्र मेरा ऐशदीप कौर। ऐशदीप कौर जी, तुसीं थोड़ा जिहा अपने बारे ते और सहज पाठ दे अनुभव रे जरूर दसो संगतां नूं। मेरा नाम ऐशदीप कौर है, तो मैं श्री गुरु अंगद देव स्कूल विच पढ़दी हाँ। तो मैं 9वीं पाठ शुरू किया, तो हुण 3 साल हो गया, तो मैं 10वें पाठ ते आ गई हाँ। तो मैं बड़ा वधिया लगता इहनूं करके। वाह, तो तुहाडा 10वां सहज पाठ है, 9 संपूर्ण कर ले। तो पुत्र मैनूं इह गल दस्सो कि अज दे समें दे विच जदों बच्चिआं नाल गलबात करी दी, ओह कहिंदे साडे कोल समां नहीं हैगा जी, एक रट लाई हुंदी है। वैसे उहनां कोल पढ़ाई वास्ते छड्ड के बाकी सारे समें हैगे, पर बाणी पढ़न वास्ते कहिंदे समां नहीं। तो तुसीं 9वीं क्लास से शुरू किया जी, तुसीं प्लस 2 विच जी, 3 सालों में तुहाडे कोल वाहिगुरू ने 10 वारी सेवा लई। इकल्लियां कीती कि परिवार नाल रल के कीती? एक बार मम्मा ने कराया सी, बाकी मैं। हाँ, यह बच्ची बिल्कुल जिदा असं कहने भी पहला पाठ जो माता पिता ने रल के करो जदों भी, बाकी पाठ तुम आप करो, वाहगुरु जी आप ही समत देंगे। तो पुत्र दसो, बड़ा डर लगा होगा जो पहली बार शुरू किया, ठीक है ना, महसूस होगा भी हाँ पता नहीं मैं की कर लगी हाँ, वो अनुभव तुम अपनी जिंदगी का थोड़ा जहा दसो। इन माइक में उपर कर लो तो थोड़ा जहा अनुभव अपना जरूर दसो कि जीवन में की तब्दीली आई बाणी पढ़ पढ़। जो मैं पहली बार कर लगी सी तो मैं लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, गलत हो जूगा, पर नहीं इदा नहीं होया। मतलब एक बार कर लगी तो मजा जो आने लगा ही। हाँ, तो फिर करते गए तो फिर इन्ना हो गया। वो कहते हैं आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। कोई कहिंदा मैनूं बर्गर खा के आनंद आ गया, कोई कहिंदा मैनूं फलानी चीज़ खा के, कोई घूम फिर के आनंद आ गया, पर जिहड़ा बाणी पढ़ के आनंद आउंदा वो कितों होर नहीं आउंदा। ते पुत्तर दसो फिर, ते हुण किस तरह तुसीं दसवां होर किहनूं किहनूं तुसीं शुरू करवाया सहज पाठ? मैं वैसे कहनी हां पर हजे तक करदे नहीं आ, मतलब मेरे घर दे होर पाठ करदे आ, सहज पाठ नहीं करदे। हाँ, ये बेटे तुसीं प्रेरणा देनी, कोई नहीं अपना तुसीं कार्ज करी जाणा, दीवे तो दीवा जगदा हुंदा। ते तुसीं 10वीं वारी सहज पाठ कर लगे हो पुत्तर, ते तुसीं अपने विच की तब्दीली देखी वो थोड़ा जिहा संगतां नूं दसो। मन नूं शांति मिल जांदी है पाठ करदे, गुस्सा घट हो जांदा है, होर बस जो क्रोध है वह घट जाता है। फिर जो कोई गलबात होंगी भी है तो असं कहने चल छोड़ो वाहगुरु जी आप देख लेंगे, है ना। शाबाश पुत्र, तुहाडा नाम? मेरा नाम अनमोलप्रीत कौर है। तो तुसीं अपने सहज पाठ का कदों शुरू किया, किवें शुरू किया, की तब्दीली आई तुहाडे विच, तुहाडे परिवार विच, थोड़ा जिहा जरूर दसो बच्चों। मैं 9th विच शुरू किया ही पाठ, हजे तक एक ही पाठ होया है। शाबाश, कोई गल नहीं, आराम नाल हौली हौली करो, पर कोई गल नहीं, कोशिश करो भी 10-15 मिनट जरूर दिओ। तुसीं पुत्र किन्ना समा देंदे हो सहज पाठ नूं? तुसीं 10वां पाठ कर लिया, ये तुसीं थोड़ा जिहा दसो भी तुसीं किन्ना समा देंदे हो? मैं 1 घंटा भी कर लैनी आ, कदी कदी अद्धा घंटा भी कर लैनी आ, 1 घंटे तो ज़्यादा नहीं कभी किया। हाँ, तो फिर भी देखो इस बच्ची ने 1 घंटा सहज पाठ किया, तो वाहगुरु की कृपा नाल 3 सालों में 10 सहज पाठ 9 सहज पाठ संपूर्ण हो, 10वां चलता पाया। जिसो आप कोशिश करिए भी समा जो कढ़ना शुरू करिए तो जरूर निकल जाता है, ठीक है ना। हूँ ड्रामा जो होंदा पर वेखना होंदा भी, ड्रामा देखना तो टाइम तो बंदा प्रबंध कर लैंदा, तो इस तरह ही बाणी का भी सानू करना पैना। तो पुत्र तुहाडा नाम की? मेरे पुत्र का, मेरा नाम नवजोत कौर है। मैं मम्मा दे नाल पाठ करना शुरू किया सी, साडा हुण 8वीं बार चल रहा है, 7 पाठ पूरे हो गए। 7 पाठ पूरे हो गए और 8वां चलता पाया। हाँ जी, हुण तुसीं वक्खो वक्खरा करोगे, है ना, जदों पूरा हो जाएगा कोशिश करो मम्मा नूं करन दे, तुसीं अपना वक्खरा शुरू करो। ते पुत्तर तुसीं हुण तुसीं बाणी पढ़दे हो, ते की कुछ अपना जरूर आनंद दसो, अनुभव दसो भी सहज पाठ दा, भी तुसीं की महसूस करदे हो बाणी पढ़दे हो? पाठ करदे आ वधिया लगदा आ, मतलब कि मन लग जांदा आ,
ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ? ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਨਾ CBSE ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 99.4% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬ੍ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 99.8% ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਮਿਆਰੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 10ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।